आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शिक्षा भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा के बैनर तले आज शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो पात्रता परीक्षा में आरक्षित श्रेणी में 40% और अनारक्षित श्रेणी में 50% अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने आदेशित किया गया, किंतु आर्थिक तंगी के कारण जो याचिका नहीं लगा पाए उन्हें उक्त परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के साथ परीक्षा की तिथि भी बढ़ाई जाए, क्योंकि आज 17 जुलाई परीक्षा की आखिरी तारीख रखी गई है जिसे 2 अगस्त की जावे। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। कहाँ से आए आप यहाँ ज्ञापन? हम बालाघाट से आए। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे, क्या मांग रहे? ये मध्य प्रदेश शासन जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसमें गवर्नमेंट सरकार ने जो 50% थी उसको उससे मतलब 40% किया है। केवल उन्हीं लोगों को इस पात्रता मेंस के एग्जाम में सम्मिलित किया है जो जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन हम लोगों के कुछ आर्थिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, अतः हम इस एग्जाम से वंचित रह चुके हैं। आपका नाम बताएं? मेरा नाम करिश्मा माथुर है। बताइए आज अब यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचा ज्ञापन देने, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है लेकिन हम लोगों को उस चीज का एडवांटेज नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग कोर्ट में केस दर्ज करें या ये सब, लेकिन शासन ने ये दोगुलापन किया है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। हम स्टूडेंट्स को चाहिए कि हमारी भी बात सुनी जाए, हम जो नहीं कर पाए हमें जी बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपने आए थे? शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो 40% का एडवांटेज दिया गया है याचिकाकर्ताओं को, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांग की गई ज्ञापन? हम लोगों की तरफ से मांग की गई है कि 40% का जो एडवांटेज याचिकाकर्ताओं छात्रों को दिया गया वही एडवांटेज हमें भी दिया जाए। हम लोग उससे वंचित रह गए हैं क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जो याचिका नहीं लगा पाए या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। शासन ने सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए पात्र दिया जिनके पास याचिका नंबर है, याचिका लगाए थे और हम लोगों ने नहीं लगा पाए, उस कारण हम लोग आवेदन नहीं कर पाए। आज लास्ट डेट थी जिसकी फॉर्म भरने की, इसीलिए हम लोगों ने उसी के इसमें आवेदन दिया है। बताएं भी आप जो इनके साथ आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे? विगत मार्च माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी वर्ग 1 एवं 2 की, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो 40% आरक्षित वर्ग में अनारक्षित वर्ग में 50% अंक लाने वाले जो छात्र थे उनको आवेदन फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसके परिपालन में कुछ बच्चे हाईकोर्ट की शरण में गए थे, जिसमें उनके पक्ष में हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। ये जो आज आप लोग युवा लोगों को देख रहे हैं ये बालाघाट जिले के युवा है, इन लोगों की मांग है कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश निकाला गया जिसमें सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही उक्त परीक्षा में आवेदन भरने की या परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश किया गया, क्योंकि बालाघाट जिला ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करते छात्र लोग युवा लोग कहीं ना कहीं निर्धन होते, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, जिसके कारण वे सभी लोग हाईकोर्ट जाने में सक्षम नहीं है। हमारी मांग है कि जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें याचिकाकर्ताओं को ही सिर्फ लाभ दिया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 और 2 की एग्जाम दिया जिसमें 40% और 50% अंक लाए सभी को उक्त परीक्षा में आवेदन फार्म भरने की अनुमति दी जाए, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। आपको बता दूं कि उक्त परीक्षा में आवेदन भरने की अंतिम तिथि आज है, तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से हम सभी लोग मांग करते, क्योंकि ये सिर्फ बालाघाट जिले नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो उनसे मांग करते हैं कि उक्त परीक्षा के आवेदन भरने की तिथि बढ़ाई जाए, साथ ही इन लोगों को भी आवेदन भरने का मौका दिया जाए।